सो हाय हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं मोरिश, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। और आज के दिन हम लोग फिर से एक बार आने वाले पोकेमोन लेट्स प्ले खेलने के लिए। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने डार्क सिटी के जिम लीडर के साथ फाइट किया था और उसका जो ओवरकम आया था वो आप देख सकते हैं लास्ट एपिसोड में जाके। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली साइड बटन में क्लिक कर देना है या फिर मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरी पूरी प्लेलिस्ट का, अभी तक जितनी भी हमारी जर्नी कवर हो चुकी है उसकी, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो चलते हैं अभी आगे की जर्नी में और देखते हैं आगे क्या चीज़ें होने वाली है हमारे इस पोकेमोन लेट्स प्ले गेम में। और गेम की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, तो मेरे चैनल पे जाइएगा और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस गेम को। तो यहाँ से शुरू होगी हमारी आज की जर्नी। और आज की जर्नी के पहले ही मैंने सारे पोकेमोन्स को जो है अच्छे से हील कर लिया है, क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं गार्डियन टावर की तरफ। सो गार्डियन टावर पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल गया है ये व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम है ऑफ कोर्स द लैंस, जो है जोटो और कैंटो रीजन का चैंपियन। हमेशा जो बंदा ड्रैगन टाइप के ड्रैगनाइट के साथ दिखेगा ना, सो वो लैंस ही है। और ऑब्वियसली बात है वो जोटो और कैंटो का चैंपियन है, तो उसके साथ हम लोग को यहाँ पे आना है। और यहाँ पे मिल चुका है हम लोग को ईथर, तो ईथर का यूज जो है आपको एलिट फोर के खिलाफ अच्छे से होगा। और इस टावर का नाम है गार्डियन टावर। सो आपको यहाँ पे मतलब ये काइंड ऑफ टिन टावर जैसे हो गया, जो जोटो रीजन में टिन टावर्स है ना वैसे वाला ये गार्डियन टावर है। और मेन चीज़ वही है, यहाँ पे टीम स्ट्रीम ने कुछ ना कुछ तो रायता फैला दिया है जिसके हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले शाइनी से हम लोग बैटल करेंगे और कैसे भी करके स्क्रैगी को ये शाइनी चला गया। और मुझे पता नहीं था यार, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि फाइटिंग टाइप पोकेमोन फ्लाइंग टाइप को हरा देगा, लेकिन हमारे जो लेवल थे थोड़े से कम थे तो उसके वजह से वो चीज़ हो गई। और यहाँ पे दो फ्लेम थ्रोअर की मदद से हमारे ग्राउलेत ने अच्छा खासा रिकवर कर ज़रूर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। कराटे चॉप से हमारा ग्राउलेत भी चला गया, और इसके साथ अभी विनासॉर पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जैसे कि हम लोग हमेशा रहते हैं। हमारे जो पोकेमोन है विनासॉर, जो वीना है, 39 लेवल पे पहुँच गई है। ग्लैम एक झटके में चला गया मतलब रेजर लीफ की वजह से। तो यहाँ पे आपको मिल गया गैसली, तो गैसली हम लोग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन यार इस गेम में आप कौन से पोकेमोन पकड़ सकते हो देखा जाए तो वो फाइनल इवोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये हैक गेम है और हैक गेम में ट्रेडिंग वाला सेशन नहीं रहता, मतलब जो सिस्टम रहता है ना ट्रेडिंग वाला वो चीज़ नहीं रहती हैक गेम्स में। तो बेसिकली आप कौन से पोकेमोन पकड़ सकते हो, मतलब यार गैसली टू हॉन्टर, हॉन्टर टू गेंगार हो जाएगा, जिसके लिए ट्रेडिंग लगती है वो अभी सिस्टम तो है नहीं, तो पकड़ लो जो चाहिए आपको। कौन सा पोकेमोन चाहिए, यहाँ पे फिर से एक बार हमारा जो विनासॉर है वो भी चला गया है, तो अभी बेलिफ के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। लेकिन रूफलेट जो है वो है फ्लाइंग टाइप पोकेमोन, तो ग्रास टाइप को आराम से हरा सकता है। लेकिन ये नल्ले वाले अटैक कर रहा है उसके वजह से भी चला गया अभी हमारा बेलिफ, तो मुझे लगता है हम लोग अभी स्वाइप होने वाले हैं। लेकिन हमारे जो काइंड ऑफ वेस्पी क्वीन है उसने हम लोग को बचा लिया है, तो नॉक ऑफ हो गया। लेकिन नॉक ऑफ की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है सामने वाले प्लेयर को, लेकिन हम लोग ने अभी कोई अलग चीज़ें नहीं दी थी। हम लोग रिवाइव हो गए मतलब हील हो गए अपने आप, और हमारे जो थोड़ा सा पैसा वो भी चला गया। मुझे लगता है कि हमारे पोकेमोन जो थोड़े कम लेवल के थे लास्ट एपिसोड में, मुझे लग गया था वो चीज़ की भाई अभी तक इतने कम लेवल के पोकेमोन्स हैं मेरे, तो थोड़ा धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं हमेशा की तरह वही आलसी पना करता हूँ और एंडिंग में ट्रेनिंग का सेशन रख देता हूँ। तो अभी वही चीज़ है, पहले इनको डिफीट करेंगे, और मैं हमेशा भी विनासॉर को ही आगे रखने वाला हूँ, क्योंकि विनासॉर को जो स्लीप पाउडर उसके वजह से एक अच्छा खासा मुझे मोमेंटम मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। और मैंने जो शाइनी को सिलेक्ट करने की गलती की थी फर्स्ट बैटल में, वो बहुत ही मतलब बड़ी गलती थी कि शाइनी मुझे लगा था कि स्क्रैगी को हरा देगा, लेकिन यार काइंड ऑफ लेवल थोड़े से कम है उसके वजह से स्क्रैगी भी हरा सकता है, ये मुझे पता नहीं था और वो चीज़ हो गई। तो एक अलग से सीख मिल गई मुझे आज पोकेमोन बैटल्स में। तो अभी क्या है, अभी हम लोग शाइनी को सिलेक्ट करेंगे, और शाइनी को डेफिनेटली सिलेक्ट किसके लिए किया, क्योंकि वो फाइटिंग टाइप पोकेमोन था सामने, उसको डिफीट कर सकता था मैं। अभी फिर से विना को सिलेक्ट करने की सोच रहा हूँ, नहीं ग्राउलित को स्विच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैटॉट और चैटॉट फटाक से हार जाएगा ग्राउलित की वजह से। चैटॉट के जो अटैक्स हैं ना गाइस, वो नास्टी प्लॉट, उसके बाद ग्रॉल, ऐसे कुछ अटैक्स है, तो उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं देने वाला चैटॉट आपको। लेकिन चैटॉट को अगर आप पकड़ना चाहते हो, मतलब आप उसको अच्छे से मूवसेट देना चाहते हो, तो बहुत अच्छा मूवसेट उसके पास हो सकता है चैटॉट के पास, मतलब सिंग हो सकता है बाद में उसको, शायद वो पैरिस सॉन्ग भी कर पाएगा, तो अच्छे अच्छे अटैक्स आप उसको दे सकते हो चैटॉट को। यहाँ पर फिर से एक बार आ चुका है स्क्रैगी, और स्क्रैगी का जो स्क्रैफ्टी है ना वो मैंने पकड़ा था पोकेमोन वाइट 2 में, और वो मेरे एलिट 4 की टीम में भी था, मतलब अच्छा खासा मूव सेट है उसका। तो अगर आप स्क्रैगी पकड़ना चाहते हो तो भी आप वो पकड़ सकते हो, नियर बाय एरिया में आपको स्क्रैगी मिल जाएगा। अभी मिनफू को मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, मिनफू का जो इवॉल्व फॉर्म है समथिंग कुछ ऐसे है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो अगर आपको उसका नाम पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मिनफू के इवॉल्व फॉर्म का नाम क्या है। मुझे इतना मतलब खास ऐसे स्पेलिंग के हिसाब से याद नहीं है कौन सा वाला नाम है, लेकिन ऐसे है डेफिनेटली इतना पता है। और जो मिनफू का स्प्राइट है ना वो इस गेम में एज अर्शियस यूज़ किया हुआ है। अगर आप अर्शियस को पकड़ोगे तो उसके बाद अगर आप पॉकेटेक्स पोकेमोन सेंटर में जाके पीसी के अंदर घुसोगे ना, तो आपको अर्शियस का स्प्राइट वहाँ पे नहीं मिलने वाला, वहाँ पे इस मिनफू के इवॉल्व फॉर्म का जो स्प्राइट है वो मिलेगा,
और डेफिनेटली उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो अगर नाम याद आता है एपिसोड के अंदर तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई उसका नाम पता रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, इससे मेरा पोके नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ने अनदर टीम के मेंबर को हरा दिया है, तो फिर से एक बार एक टीम का मेंबर सामने आ गया, उसके पास है रोजेली, या तो स्लीप ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसने ही पहले कर दिया ग्लास विसल, और ग्रास विसल और ग्रास नॉट अलग से कॉम्बिनेशन वाले अटैक्स है गाइस, मतलब अगर ग्लास विसल यूज़ करते हो तो उसके वजह से क्या स्लीप तो हो ही जाएगा, उसके बाद फिर मेगा ड्रेन रखोगे अपने रोजेलिया के पास, मतलब यार अलग से कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे कि लीच सीड और जो स्लीप पाउडर का कॉम्बो है सेम टू सेम रोजेलिया के साथ है, वो मैंने किसके खिलाफ यूज़ किया था मालूम है, मैंने वो चीज़ यूज़ किया था एज ए इवॉल्व फॉर्म ऑफ रोज रेड जो किया था मैंने पोकेमोन पर्ल में, बहुत अच्छा मूव सेट है वो, मतलब अगर आपके पास ग्रास टाइप है तो आप अच्छे से ये मूव सेट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिटफिक मिल सकता है जिसका एंडिंग में बनेगा शेलेंडोर, शेलेंडोर समथिंग कुछ है, लैम्पर्ड उसका इवॉल्व फॉर्म है सेकंड वाला, थर्ड वाला है कुछ समथिंग सी से है यार, नाम फिर से मैं भूल गया, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गीगा ड्रेन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ग्रास टाइप के खिलाफ ग्रास टाइप पोकेमॉन गीगा ड्रेन यूज़ करें मेगा ड्रेन यूज़ करें उसका मतलब नहीं है कुछ भी अच्छा खासा मतलब नहीं बनने वाला। और अभी शैंडोलेयर उसका इवॉल्व फॉर्म है शैंडोलेयर, अचानक से दिमाग में आ गया था शैंडोलेयर उसका इवॉल्व फॉर्म है, शायद से शैंडोलेयर है, मैं प्रॉपर अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ तो भी, लेकिन उसका जो लिटविक का फाइनल इवॉल्व फॉर्म है वो शैंडोलेयर, और गोश्त टाइप और फायर टाइप का अच्छा खासा कॉम्बो मिल सकता है आपको अगर आप लिटविक पकड़ोगे तो। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार जो अनइवन डिसएडवांटेज वाला बैटल है हमारा चल रहा है, लेकिन विनोसॉर डेफिनेटली उसको ओवरकम करेगा मुझे पता है, और यहाँ पे मैंने कट अटैक यूज़ करके हरा दिया है फेरो को। आगे क्या मिलने वाला, आगे इधर कुछ भी नहीं है, डस्कल अच्छा खासा है, मतलब मैंने डस्कल मेरे जो पहला पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम टीम था उसमें शायद डस्कल था, अगर वो रूम मिल जाता है तो मैं एंड ऑफ द सीजन मतलब इसका जो वॉक थ्रू कंप्लीट होने वाला है उसके बाद मैं डेफिनेटली आपको शो करूंगा कि मैंने कौन सी टीम रखी थी उस वाले पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम में। तो यहाँ पे अगर स्किप ग्रास टाइप का वही मुझे इशू लगता है, स्किपलू ने फिर से स्लिप आउट यूज़ कर दिया जैसे कि वो सेम रोजेलिया ने किया था ग्रास विसल वैसी वाली चीज़, लेकिन हमारा जो अभी पेसिफिक विन है थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल अप पे हो चुका है, लेकिन 25 के लेवल में होते हुए भी उसका मूव सेट जो है वो थोड़ा सा अच्छा खासा लग रहा है मुझे, टॉक्सिक गश्ट, और मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा खासा मूव सेट आ जाएगा तो मैं उसको एडअप करूँगा, लेकिन अभी वेस्पिक विन को अगर मैं आगे भी लेके जाता हूँ तो मुझे इतना खासा मोमेंटम नहीं दिख रहा है वेस्पिक विन के अंदर, तो शायद से वेस्पिक विन में इस अलिट फोर के खिलाफ ना यूज़ करूँ, लेकिन यार डेफिनेटली वो चीज़ हो जाती है कि अगर एक अलिट फोर के खिलाफ आप यूज़ कर रहे हो, मतलब इस रीजन में अलिट फोर के खिलाफ मैं कोई मूव सेट रख रहा हूँ या फिर कोई टीम रख रहा हूँ 6-on-6 वाली, तो उसको मैं लॉरेन रीजन में भी यूज़ करूँ, क्योंकि यार लेवल का मैटर रहता है, और मैं भाई लेवल तो फटाक से इंक्रीज़ नहीं होने वाला, हम लोग रेयर कैंडी और वो चीज़ तो यूज़ नहीं करने वाले, तो इसके लिए हमेशा एक ही 6-on-6 वाली जो 6-6 वाली जो टीम रहती है हमारी जो आपकी रहेगी वो हमेशा कैरी करके चलिएगा। तो यहाँ पे करेंगे रेजर लीफ पे रेजर लीफ, और इसी के साथ लुक्सियो चला जा चुका है, हमारा जो विनासोर है वो पहुंच चुका है 40 लेवल पे, मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ कि विनासोर को एटलीस्ट मैं एंड ऑफ द गेम 80 या 81 लेवल पे पहुंचा दूं, और जो काइंड ऑफ से डिफिकल्ट काम नहीं लग रहा है क्योंकि इतने सारे बैटल्स रहेंगे, दो चैंपियन लीग्स है, उसके साथ साथ अच्छे खासे राइवल्स है, तो ये चीज़ तो होनी ही वाली है। यहाँ पे आ गया है गैसली, तो को रनअवे कर लेते हैं, यहाँ पे हाइपोपोशन हमारा बैक फुल हो चुका है, तो पहले कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी यहाँ से, मैं ट्राई कर रहा हूँ कैल्शियम या फिर हम लोग लेफ्ट ओवर को किसी को दे सकते हैं, लेफ्ट ओवर्स ट्राई करते हैं गिव करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यस डोगो को देता हूँ क्योंकि डोगो का लेवल जो है वो इतना कम है, तो लेफ्ट ओवर रहेंगे तो हर बार हील करता रहेगा, और यहाँ पे मुझे मेगा बैटल दिख रही है, आगे थोड़ी सी शायद से एक बड़ी वाली बैटल होने वाली है क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक बड़ा वाला बच्चा दिख रहा है मुझे वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़ी सी बड़ी बैटल होगी, तो मैं शायद से वो बड़ी वाली बैटल करूँगा और उसके बाद ये गेम प्ले जो है थोड़ा सा रैपअप कर दूँगा, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ तो रहने वाला है, जैसे कि हमारे जो बॉटनिकल लैब में हुआ था पहले, ये जो बंदी थी उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो जो बंदी थी वो आई थी उसके साथ बैटल किया था, और फाइनली जाके हम लोग को फाइनल वाले बंदी के साथ बैटल करना था। तो यहाँ पे है रफलेट और लीच सीड, हमारा जो है पीपी ख़त्म हो चुका है, तो पीपी हमेशा कैरी करने की ज़रूरत लगेगी, और मैं इतर एलिक्सर यूज़ नहीं करने वाला, इतर एलिक्सर अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद यार एलिट फोर के खिलाफ आपको इतर एलिक्सर की कमी खेलेगी, और इतर एलिक्सर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कौन से भी रीजन में आपको बाय करने के लिए मिलने वाला है, तो मैं डेफिनेटली वही ट्राई कर रहा हूँ कि इतर एलिक्सर को यूज़ ना करूँ अभी फिलहाल के लिए, तो जो अटैक सेट है उसको यूज़ करते हुए चलो, डेफिनेटली मेरे पोकेमॉन थोड़े से डाउन हो जाएंगे, लेकिन यार क्या कर सकते हैं अभी ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, तो मैं वही करूँगा कि इसको हरा दूँगा, और वही चीज़ हो गई यार फिर से मैं चला गया, मतलब यार ये सेकेंड टाइम हो गया, मुझे लगा था कि हमारा बेलीफ उसको हरा देगा क्योंकि यार ड्रिफ्लेम उसका शायद से लास्ट पोकेमॉन था, लेकिन ये चीज़ बहुत ही भारी गिर सकती है मुझे आगे जाके, क्योंकि इतना पैसा जा रहा है और उसके वजह से हम लोग को आगे चीज़ें भी खरीदनी है, फुल रिस्टोर और बाकी चीज़ें खरीदनी है, तो
थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, मुझे लगता है कि अभी लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। ये वर्ड बहुत ही मतलब बड़ा है लेकिन मैं इजीली बोल पाता हूँ, लेकिन यार हार के वजह से थोड़ा संतुलन हिल चुका है मेरा। और यहाँ पे गैसली जो नहीं चाहिए मुझे यार, अभी गैसली की ज़रूरत ही नहीं है यार। ठीक है यहाँ पे सेबल आए और ये भी बंदा अलग ही है यार। शट यार पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा, मुझे लगा था कि यार बेली फरा देगा उसको। ठीक है फिर से एक बार बैटल करते हैं और इस बार मैं डेफिनेटली उसको हरा दूंगा यार। एक ही पोकेमोन था उसका और मैं सोच रहा था कि एक ही पोकेमोन है तो उसको हरा दूंगा, लेकिन हमारा वीना का भी काइंड ऑफ थोड़ा सा पहले हार गया था वीना, तो उसके वजह से यार प्रॉब्लम तो ज़्यादा थी। अगर वीना रहता प्रॉपर फुल लेवल पे तो शायद से हम लोग हरा पाते, जैसे अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। लिस्टेड दे के रखा है मैंने उसको, तो लिस्टेड से आराम से हार जाएगा बंदा। कट अटैक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गोस्ट टाइप पोकेमोन है, तो कट अटैक तो डेफिनेटली यूज़ नहीं होने वाला। और ये बंदा ऐसे उसको HMs और ये ऐसे एलिमेंट्स देता रहेगा तो भाई हराना मतलब अलग ही बात है। वैसे मुझे वो अम्ब्रियन का बंदा लगता है ना, मतलब अम्ब्रियन वाला कोई भी आपका अपोनेंट आ जाएगा और वो मूनलाइट यूज़ करता रहेगा तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि अम्ब्रियन का जो HP इतना अच्छा है और उसका जो HP कम जाता है उसके वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो हम लोग अभी आगे जाते हैं, हम लोग ने सारे बंदों को तो हरा दिया है और आगे जाके देखते हैं क्या है। यहाँ पे है लैंस, सो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं आज की जर्नी के लिए। फिर मैं आगे की जर्नी देखूंगा, लैंस को पूछूंगा भैया क्या हो गया है आगे की तरफ। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो गया है गाइस, उसके वजह से इसके लिए मैंने इधर तक एपिसोड छोड़ दिया है। मैं ट्राई करने वाला था कि वो बैटल भी कर दूँ, अगर मेरा वो जो पहले वाला बैटल छोटा सा ना हो जाता तो यार मतलब दो बार डिफीट मिल गई हम लोग को इस एपिसोड में और बहुत ही गंदी बात है। एज अ ट्रेनर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है और मैं चीज़ वही ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट मैं हारूँ ना किसी से और अच्छा खासा ट्रेन करूँ भी आगे के पोकेमोन जो भी आएंगे उनको। तो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा गेमिंग कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि यार वीडियो पे इतनी अच्छी मेहनत कर लेता हूं मैं और अच्छे खासे वीडियोस बना रहा हूं। ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई मतलब कमेंट्री से कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे पता है कि मेरे कमेंट्री में ऐसे 2-3 वर्ड्स है जो मैं कॉमन वर्ड्स हमेशा रिपीट करता रहता हूँ, उसके लिए सॉरी। और मेन चीज़ वही है कि अगर आपको मुझे गेम प्ले में कुछ कंटेंट अलग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई किसी गेम के बारे में रिलेटेड मतलब ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे, आपके पास अगर लो एंड PC है, आप अच्छा खासा गेम नहीं खेल पा रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपके पास हाई एंड PC है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन रहेगा वो मैं लेके आऊँगा और पूरी रिसर्च के साथ लेके आऊँगा, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं। और मेन चीज़ वही है कि यार गाइस नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाना भूल जाओगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठोक दीजिएगा लाइक को ठोक के या सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में विद द पोकेमॉन लाइट प्लैटिनियम, और तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर।